भाई होली आने वाली है और त्योहारों पे घर के काम कभी ख़त्म नहीं होते, और हमारी कोशिश रहती है ज़्यादा से ज़्यादा और हेल्दी से हेल्दी बहुत अच्छे अच्छे हम स्नैक्स बना लें, वो भी घर पे। तो चलिए एक और आज स्नैक की रेसिपी आप सबके साथ शेयर करती हूँ। करना क्या है आपको, यहाँ मैंने 1 कप गेहूं का आटा लिया है, जी हाँ गेहूं का आटा लिया है, और आधा कप यहाँ पे मैंने मैदा मिलाई है। आप चाहें तो रिवर्स भी कर सकते हैं, आप चाहें तो पूरा गेहूं का आटा और पूरा मैदा ले सकते हैं। बीच में इस तरीके से देखिए राउंड राउंड करके गड्ढा कर लीजिएगा, और इसमें मोइन के लिए डाला है रिफाइंड, और भर भर के अच्छे से फ्लेवर देने के लिए डाल रही हूँ मैं यहाँ पे क्रश करते हुए अजवाइन। जी हाँ अजवाइन से बहुत अच्छा टेस्ट आता है, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अब इसके साथ साथ डालनी है श्रद्धानुसार नमक, जी हाँ नमक डाल दीजिए आपके टेस्ट के हिसाब से। और उसके बाद क्या करना है, आज एक ट्विस्ट देने वाले हैं, बट उससे पहले मैंने यहाँ थोड़ी सी ब्लैक पेपर डाल दी है, ये है थिक पालक की प्यूरी। जी हाँ पालक की प्यूरी है, पालक को बॉईल कर लिया था, सारा पानी निकाल के मिक्सी में बिना पानी डाले इसको पीस लिया है, तो थिक पालक की प्यूरी इसलिए बोल रही हूँ, पानी इसमें नहीं है। अब इसी से मुझे पूरा आटा लगाना है, तो देखिए मैंने पूरा उसको मिक्स कर दिया है, कुछ पहले आटे को नहीं मिल रहा मलना है, एक साथ लगा लेना है, और बहुत टाइट नहीं लगाना है, और बहुत ज़्यादा ढीला आटा यानी कि लूज आटा नहीं लगाना है, एक नॉर्मल जैसे हम बनाते हैं ना मटरी वगैरह के लिए, तो उस तरीके से आपको मीडियम आटा लगा के रेडी कर लेना है। तो देखिए मैंने तो पूरा आटा लगा के रेडी कर लिया, 5-7 मिनट के लिए ही रेस्ट देने वाली हूँ इसको, और देख देख लीजिए किस तरीके का आटा है। और जब तक आटा हमारा सेट हो रहा था, मैंने क्या किया, यहाँ पे लिया है 2 चम्मच के करीब मैदा, जी हाँ यहाँ पे 2 चम्मच मैदा लिया, उसमें 2 ही चम्मच मैंने रिफाइंड ऑयल डाला है, जी हाँ रिफाइंड का इस्तेमाल कर रही हूँ, देसी घी का भी कर सकते हैं, ये टोटली अप टू यू है। तो बस अच्छा सा मिक्स करके एक स्लरी जैसी बना लेंगे, देखिए रेडी है ना, कितनी स्मूथ ऐसे लग रहा है, क्रीम जैसी बन के रेडी है। बस इस तरीके से बना के रेडी करना है, ये भी बन गया भाई। अब एक मसाला भी बनाने वाली हूँ, तो अब देखिए उसके लिए क्या किया, एक और छोटी सी कटोरी ले ली है, इसमें डाली है लाल मिर्च पाउडर, यहाँ पे मैंने डाला है धनिया पाउडर, और उसके साथ साथ मैंने डाला है यहाँ पे अमचूर पाउडर, आप चाट मसाला भी ले सकते हैं, और थोड़ी सी ब्लैक पेपर। अब इन मसालों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी, और इसको क्या करेंगे साइड करके रख लेंगे। अब ये करते करते मुझे 5-6 मिनट तो हो ही गए थे, तो चलिए चलते हैं आटा दिखाती हूँ, तो ये सारी चीज़ों को साइड कर देंगे। आटा बढ़िया हमारा सेट हो गया था, देखिए एक बार हल्का सा हाथ लगा के फिर से मल लेना है, और बस इक्वल साइज़ के हम इसके पेड़े बना के तैयार कर लेंगे। ये जो आज के हम मटरी बना रहे हैं ये बच्चों को बहुत पसंद आती है, एक तो गेहूं के आटे की है, दूसरा इसमें पालक पड़ी हुई है, तो ये बहुत हेल्दी बन के तैयार होती है, आप बच्चों के लिए तो ज़रूर ही बनाइए, उनके मनपसंद शेप में भी आप बना सकते हैं इसको। आज मैं आपको दिखा रही हूँ कुछ अलग ट्विस्ट देते हुए, जिससे बच्चे भी अट्रैक्ट होंगे, और बड़ों को भी, अगर घर में कोई गेस्ट आ रहे हैं होली पे, ऑब्वियसली सबके घर में मेहमान आते हैं, तो आपके सारे मेहमान आपकी तारीफ करते नहीं रुकेंगे, तो एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत सारी तारीफें पाएंगे आप, और सब लोग आपसे पूछेंगे कि भाई ये कैसे बनाया, और बच्चे कलर से अट्रैक्ट होते हैं, तो वो भी इसको मांग मांग के खाएंगे। तो क्या करना था, पहले सिंपल एक पेड़ा लिया, कुछ गोल चकोर नहीं देखना है, बस एक पतला सा बेल लीजिए जैसे रोटी बेलते हैं ना, बस उसी तरीके से। उसके बाद जो स्लरी बनाई थी ना, उस स्लरी को हमको अच्छे से पूरे में इसको फैलाते हुए चम्मच से लगाना है, आप हाथ से चम्मच से ब्रश से कैसे भी कर सकते हैं, मैंने यहाँ स्पून का इस्तेमाल किया है, वो भी इसलिए क्योंकि देखिए बार बार हाथ में हो जाता है, लग जाता है, तो हम जब दोबारा लोई उठाते हैं तो वो थोड़ी स्टिकी हो जाती है, इसलिए। अब यहाँ पे मैंने सूखा आटा या मैदा को डस्ट किया है, आप कुछ भी कर सकते हैं, मैंने दोनों को एक एक चम्मच मिक्स कर लिया था, और इसको पूरा मिक्स करने के बाद राउंड कर दिया, अब प्रेस करा है इस तरीके से, और फिर से इसमें क्या लगाऊंगी, वही स्लरी लगाऊंगी, और फिर से इसमें डस्ट करूंगी, और फिर से इसको राउंड एंड राउंड, बहुत मज़ा आने वाला है, और देखने में आपको लग रहा होगा कि मेहनत है, लेकिन बिल्कुल मेहनत नहीं है, बहुत आसानी से बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाता है, और फटाफट से आटा भी लग जाता है, तो आप कभी भी बना सकते हैं इसको, ऐसे भी बच्चों के लिए भी बना के रखा जा सकता है। ये मैंने फिर से बेल लिया है वैसा ही पतला रोटी के जैसा, और फिर से वही प्रोसेस करने वाली हूँ, बस इस बार जो हम डस्ट करेंगे ना उसके साथ साथ जो हमने मसाला बनाया है ना उसका भी डस्ट करेंगे, और ये फाइनल हमारा होगा। इसके बाद ये जो स्टार्टर बनता है ना, इसमें इस तरीके से अंदर से जब हम बार बार हमने जो राउंड किया ना उसकी वजह से ये अंदर से बहुत खस्ता बनता है, और सिकने के बाद इसकी लेयर्स खुलती हैं,
तो वो बहुत अच्छा, देखने में भी बहुत अच्छा लगता है और खाने में भी उसकी वजह से टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो मैं बोलूँगी कि एक बार इस होली ज़रूर ट्राई करिएगा। रंग बिरंगी होली के साथ आज रंग बिरंगा नाश्ता भी होगा ना, कुछ डिफरेंट कलर का, तो गेस्ट को हो, बच्चे हों, फैमिली वाले हों, सबको बहुत पसंद आएगा। और हम हेल्दी वर्जन में भी बना रहे हैं तो भी बहुत अच्छा है। तो बस उसके बाद जब फर्स्ट राउंड करेंगे ना, बस इस तरीके से आप कट करते जाइए। सारा कट करने के बाद हमारा ये जो स्नैक है ये बनके तैयार है। देखिए सिर्फ फ्राई करने का काम है। फ्राई करते वक्त किन चीज़ों का ध्यान रखना है वो भी बताऊंगी, तो वीडियो पे बने रहिएगा। मैं पहले आपको लेयर्स दिखा देती हूँ। और बनने के बाद ये लेयर्स इसी तरीके की रहती हैं भुनने के बाद, और बहुत अच्छा क्रंच आता है इसमें, टेस्ट बहुत अच्छा आता है, कलर बहुत अच्छा आता है, नॉर्मल नमक पारे मटरी से ज़्यादा अच्छा आता है। तो मैं एक एक करके मैंने सब रेडी कर लिए, बहुत जल्दी बन जाता है। और देखिए बना बना के रखती जा रही हूँ, अब थोड़ा सा फ्राई करके भी दिखा देती हूँ। तेल पहले अच्छा गर्म कर लिया था तेज, उसके बाद गैस का फ्लेम लो कर दीजिए। जी हाँ लो, क्योंकि खौलते हुए तेल में डालेंगे ना ऊपर से पक जाएगी, अंदर से नहीं पकेगी, वो खस्तापन नहीं आएगा। उसके लिए क्या करना है, तेल अच्छा गर्म कर लीजिए, उसके बाद गैस का फ्लेम लो कर दीजिए। और फिर लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको अच्छे से आपको अच्छा कलर आने तक, पूरा क्रंच आने तक सेकना है। तो जब पहली बार डालेंगे पूरा झाग बन जाएगा, और धीरे धीरे ये झाग कम हो जाएगा। बीच बीच में चलाइएगा, डालने के तुरंत बाद इसको मत चलाइएगा। और देखिए कितना अच्छा कलर आया है, कोई आर्टिफिशियल कलर मिलाने की ज़रूरत नहीं है, हेल्दी तरीके से बना है। तो एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। बस सारे को एक एक करके हम यहाँ पे फ्राई कर लेंगे और निकालेंगे। ठंडा होने के बाद भी इसका कलर डार्क होता है, तो इसको ओवर मत करिएगा, फ्राई नहीं किया जाता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फिर डार्क हो जाता है। तो मैंने सबको भून लिया था, वो देखिए सारी लेयर दिख रही है ना, और बहुत खस्ता बनाया। मैं अभी आपको एक फोड़ के भी दिखाती हूँ, इतना टेस्टी बनता है ना वो, बिल्कुल खस्ता, मतलब हाथ से भी तोड़ेंगे ना, ये देखिए बच्चे तो इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इस बार होली पे ये ज़रूर ट्राई करिएगा, और कमेंट करके बताना मत भूलिएगा कि आपको आज की ये रेसिपी कैसी लगी। पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा। मिलती हूँ एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।